नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे PhD एडमिशन 2021 के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज हम लोग जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसे NAC के द्वारा एक ग्रेड दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर लोकेटेड है। तो यदि आपको यहाँ मौका मिलता है पढ़ने का तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कैंपस भी बहुत खूबसूरत है, जगह भी खूबसूरत है और यूनिवर्सिटी को NAC से एक ग्रेड भी मिला है। बस स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी सब कुछ बढ़िया, आप यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम जान ही लेते हैं जब इतनी बातें हो गई। तो कुमायूं विश्वविद्यालय है, यह गढ़वाल में है, उत्तराखंड में। तो स्पेशली जो उत्तराखंड से करना चाहते हैं या जो उत्तराखंड के हैं वो विशेष तौर पे इसे ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट, इसे बोला जाता है सभी जगह पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। उसका फॉर्म निकल कर के आया है, आपको यहाँ पर फ़ी के तौर पर 2,050 रुपया लगेगा, जो कि ज़्यादा फ़ी है। मेरे ख्याल से इतना फ़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है, आपको इतना तो देना ही होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन या फ़ी सबमिशन की बात करें तो 28 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आप यहां पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कब से करेंगे यह बाद में आपको नोटिफाइड कर लिया जाएगा। आप वेबसाइट को अपडेट रखेंगे अपने आप को वेबसाइट से। हाँ, टेंटेटिव डेट फॉर RDET एग्जामिनेशन की बात करें तो 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, आपका टेस्ट होगा। अब कौन कौन टेस्ट देंगे, कौन कौन नहीं देंगे, आगे बात करेंगे। 3 स्टेप में फॉर्म को भरना है। पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, आपको बता दूंगा मैं। आपको बताना कुछ नहीं, गूगल में चले जाएँ और कुमायूं यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँगे और वहाँ पर चले जाइएगा KU एंट्रेंस में, वहाँ पर RDET करके आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे एक लिंक दिखेगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है आपका अपना फाइनल एप्लीकेशन और फॉर्म भरना है। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से ले सकते हैं या फिर आप एंट्रेंस देकर ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए जो मिनिमम योग्यता है वह है आपके मास्टर डिग्री में 55% नंबर होना चाहिए, और यदि आप SC ST या फिर OBC या फिर PH कैंडिडेट हैं देन मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, RDET एक है, तो आप टेस्ट देकर करें या फिर आप एग्जेम्प्टेड में होकर के जैसे करें डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के। लेकिन जो एग्जेम्प्टेड होंगे उन्हें भी यहाँ पर PhD का फॉर्म भरना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लोग भरेंगे। फ़ी भी जमा करना होगा और इंटरव्यू में अपियर होना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। अब रिसर्च इन डिग्री एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, 2 घंटे का होने वाला है और आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस सवाल भी हो सकते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा। और बस यहाँ पे तो कुछ और दिया नहीं। हाँ, RDET जो होगा उसका वेटेज जो होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो 70% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात करें तो यदि आप अनरिजर्व्ड हैं तो मिनिमम 50% लाना होगा, OBC हैं तो 45% लाना होगा, SC ST VH PH हैं तो 40% तो मिनिमम लाना ही होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है और उत्तराखंड में है, इसलिए उत्तराखंड की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी को यहाँ पर लागू किया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो इसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले आएंगे जिनको अपियर होने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट में। तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट JRF, मतलब जिनके पास नेट है या फिर JRF है, कैंडिडेट्स अवार्डेड विथ इंस्पायर फेलोशिप, GPAT और इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट, यानी इससे इक्विवेलेंट भी कोई आपने फेलोशिप या कोई टेस्ट प्राप्त किया, जैसे बहुत सारा फेलोशिप वगैरह होता है या फिर टेस्ट आपने नेशनल लेवल का कोई क्वालिफाई किया है, तब आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी बात, इन केस नेट और JRF, GPAT और इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट कैंडिडेट्स,
स्कोर ऑप्टेंड इन द नेट जारेफ और जीपेट एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड इन प्लेस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट। और यदि आपका नेट या जीआरएफ में जो नंबर आया है यदि वो दिया हुआ है तो उसको 70% के तौर पर, जैसे मान लो कि जो लोग इंट्रेंस देंगे उनका 70% वेटेज दिया जाएगा उनके इंट्रेंस वाले नंबर को, उसी तरीके से आपके नेट जीआरएफ में जो नंबर आपने पाया है उसको 70% वेटेज दिया जाएगा। तो उसमें से देखा जाएगा कि आप कितना हासिल करते हैं ये सारा चीज़। तो मेरिट भी जो तैयार होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन एग्जामिनेशन नेट जीआरएफ जीपेट वॉट एवर प्लस 30% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का। इन केस नेट जीआरएफ में मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें मार्क्स मेंशन नहीं है, तब आपका मास्टर डिग्री में जो मार्क्स है उसको 70% वेटेज दे करके 30% इंटरव्यू का ऐसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इन केस द आरडीटी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स अपियर सिंस रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट, यानी कई लोग एग्जेम्प्टेड हैं नेट जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो टेस्ट में बैठते हैं, तब जो टेस्ट में नंबर लाएंगे उसको 70% वेटेज दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बाकी आपको जैसे करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी से लेकर तमाम सारी चीज़ यहाँ पर हुई होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, ऑनलाइन करना है तमाम सारी चीज़ें, 5 दिसंबर से पहले करना है। और इसमें और देख लेते हैं, द यूनिवर्सिटी में चेंज द सेंटर और डेट एग्जामिनेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ये तो ठीक है, यूनिवर्सिटी का अपना अधिकार होता है। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एज नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन एनी अदर फॉर्मेट मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन ही करना है, देख लीजिए। आगे देख लीजिए, कैंडिडेट्स विल बी इशूड द एडमिशन कार्ड विथ रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन बाई द कुमाऊं यूनिवर्सिटी ओनली आफ्टर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ओवर। तो ऑनलाइन ही चीज़ें होंगी, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिसंबर के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा किसी भी सूरत हाल में। द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स, ये सारा चीज़ जो है परमिटेड नहीं है, तो कॉमन चीज़ है, ये सारा चीज़ तो आप समझते ही होंगे। यदि आप जॉब में हैं तो NOC लगाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आगे हम लोग और बात कर लेते हैं, सिटी की बात करें तो आप यहाँ पर नैनीताल में या फिर हल्द्वानी में, ये दो जगह है, दो सिटी है वहाँ का, दो शहर है, इसी में से कहीं एक पे आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ RDET, सब्जेक्ट और सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पे टोटल 4 सीट है, संस्कृत में टोटल 2 है, इंग्लिश में टोटल 8 है, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, ज्योग्राफी की बात करें तो 2 है, और इतिहास हिस्ट्री की बात करें तो 6 है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करें तो 11 है, सोशियोलॉजी में 5 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो 3 है, साइकोलॉजी में 11 है और म्यूजिक में 2 है। उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो 3 है, केमिस्ट्री में 20 है, मैथमेटिक्स में 14 है, बोटनी में 5 है, जूलॉजी में 2 है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में 3 है, फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस में 3 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 2 है, कॉमर्स में 5 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 2 है, एजुकेशन में 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 है। तो टोटल 134 सीटें हैं। नोट में दिया हुआ है द रिसर्च वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज एनी टाइम, ठीक है, ये टेंटेटिव है लेकिन इतनी सारी सीटों के लिए निकली है, यदि आपके सब्जेक्ट में एक भी सीट है तो डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। तो साथियों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराम से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।